नए साल 2025 में इन पांच राशियों का बनेगा विवाह योग। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव करेंगे महापरिवर्तन, जिनका मुख्य असर पांच राशियों के विवाह में देखा जाएगा। अगर आप भी कुंवारे हैं, सिंगल है, या आपके घर में कोई भी शादी की उम्र तक आ चुका है या शादी की उम्र पार कर चुका है और जिसका रिश्ता होने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही काम का है। बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह योग साल 2025 में बनने जा रहा है, और साथ ही उनको शीघ्र विवाह के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, साल 2024 अब कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, फिर शुरुआत होगी नए साल 2025 की। दोस्तों, जैसे ही कोई नया साल शुरू होता है तो सभी लोगों के मन में जानने की एक बड़ी उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर आने वाला नया साल मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या नए साल में मुझे खुशियाँ मिलेगी या नहीं, मेरा विवाह होगा या नहीं, कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, मेरे को स्वयं का व्यापार शुरू करने की इच्छा कब पूरी होगी, कब तक मुझे नौकरी में तरक्की मिलेगी। आज इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। अगर पहले से कोई परेशानी उसके लाइफ में चल भी रही होती है ना, तो भी नए साल में उसे दूर होने की कामना करता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो कि नए साल 2025 में अपनी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर साल 2025 की कौन कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनका वैवाहिक और प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी लड़के या लड़की के विवाह में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साल 2025 में मार्च के महीने में शनिदेव जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ऐसे में गुरु और शनि के शुभ प्रभाव से साल 2025 विवाह योग की सबसे पहली और जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि इंदिरा, ओम प्रकाश, ओमकारेश्वर, विष्णु, वेणुगोपाल, अंग्रेजी की बात करें तो ई यू और ओ अक्षर के अलावा वी से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी ज्यादातर वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025 जो है वो वैवाहिक जीवन के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और उसी के साथ प्रेम विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 2025 में मार्च के बाद समय जो है वो आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपने लव पार्टनर को प्रेम विवाह के लिए अप्रोच कर सकते हैं और ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ भी संकेत कर रही है कि दोस्तों आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर हो जाए, आपके घर भी आपके इस विवाह को सहमति दे दें। 2025 में मई के महीने के अंदर अंदर 100% जो है वो वृषभ राशि वाले लव लाइफ से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। दोस्तों, 2025 में आपके 10वें घर में राहु रहेगा और 4थे घर में केतु होगा। ऐसे में आप लोगों की जो शादीशुदा जिंदगी है ना, उसको भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी शुक्रदेव 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक आपकी लव लाइफ में काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसके अलावा 2 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक शुक्र की मजबूत स्थिति होने के कारण प्रेम संबंध में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कुंवारा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो दोस्तों नए साल 2025 में मार्च का जो महीना है वो आप लोगों के लिए सौभाग्य के दरवाजे लेकर आ रहा है। मार्च में दोस्तों आप लोगों की सगाई का जो रिश्ता है, एंगेजमेंट है, वो निश्चित हो सकती है। उसके अलावा साल 2025 में कई बड़े और महत्वपूर्ण राजयोग भी बनेंगे, जो कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छे और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। एक तो भगवान शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 2025 में आप लोगों को काम और कारोबार में भी शानदार सफलता मिलेगी। आप अपने करियर में ऐसे अवसर प्राप्त कर पाएंगे जो कि आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिनका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। जो भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, तो 2025 की शुरुआत से ही यानी कि जनवरी महीने से ही व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी।
पुराना अगर कहीं पर भी कोई फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो भी आपको वापस से मिल सकता है, चाहे कोई आपका बिल पेंडिंग अटक रहा हो या किसी को उधार दे रखा हो। कुल मिलाकर कारोबार में फंसी हुई पेमेंट मिलने से आपके कोष में बढ़ोतरी होगी, आपके माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे, नौकरी करने वाले लोगों को भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। जो भी सिंगल है ना, आप 2025 में फरवरी महीने में किसी के भी प्रति आकर्षित हो सकते हैं और आपका आकर्षण कालांतर में आपके प्रेम संबंधों में तब्दील होकर प्रेम विवाह को जागृत कर सकता है। बाकी फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो तीन महीने है ना, वृषभ राशि वाले लोगों की शादी की बातचीत को चलाने के लिए आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों उचित जगह पर आपका रिश्ता निश्चित होगा। कुल मिलाकर 2025 में आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। चलिए जान लेते हैं साल 2025 की विवाह योग के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं दोस्तों, आपने अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले में या कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि पूरी उम्र भर ही मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा, व्यापार या नौकरी किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है और किस विधि से उसको धारण करना है, आपके लिए कौन सा दिन, कौन सा रंग अच्छा है, किस कार्य को करने से आपको बचना चाहिए, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग, पितृ दोष या मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से लगातार आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं साल 2025 के विवाह योग में अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है, यानी कि अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम होता है उनकी तुला राशि बनती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 जो है वो काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। अगर आपकी विवाह की उम्र हो चुकी है या दोस्तों आपकी उम्र ज्यादा भी है और आपके विवाह में कोई परेशानी भी आ रही थी, तो 2025 में अप्रैल के बाद का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। इस समय देव गुरु बृहस्पति और चंद्रदेव आपकी राशि के नवे घर में होंगे, जिसे विवाह के लिए अनुकूल समय माना जाता है। जो पहले से शादीशुदा है ना, उन लोगों की जिंदगी में भी मैरिड लाइफ जो है वो दोस्तों अप्रैल से ही खुशियां आनी शुरू होगी। पति पत्नी के बीच खूब प्रेम, विश्वास और मान सम्मान बढ़ेगा। उसके अलावा तुला राशि के शनिदेव पांचों घर के स्वामी होने के कारण लव लाइफ में भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। केतु आपके 11वें भाव में तो राहु आपके 5वें घर में रहेंगे।
ऐसे में लव पार्टनर के रिश्ते में भी मजबूती आएगी। आप अपने जीवन साथी को समझ पाने की कोशिश करेंगे और आपके बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर तुला राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 जो है वो काफी अच्छा और लाभकारी बनने जा रहा है। यहाँ पर आपको माता पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, करियर में भी आप तरक्की प्राप्त करेंगे। सामाजिक रूप से पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप नया घर या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में काफी अच्छी और बेहतर होगी। चलिए जान लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी कहती है कि साल 2025 की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक यानी कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल ये जो चार महीने हैं ये आपके जीवन में काफी अच्छे और शानदार परिणाम प्रदान करेंगे। इस समय जो भी कुंवारे हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोस्तों अप्रैल एंड तक आपका जो रिश्ता है वो 100% निश्चित होने वाला है। आपको उचित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जो पहले से ही शादीशुदा है ना, इस समय अवधि में आप लोगों की जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके पांचवें घर में होने की वजह से अप्रैल तक का जो समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। आपके दोस्तों आगे होकर ही रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी। रिश्ते में प्यार स्नेह और विश्वास बढ़ेगा। उसके अलावा मार्च से शनिदेव आपके घर के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न हो सकती है। उसमें क्या है ना कि आपके रिश्ते की बातचीत तो चल रही है लेकिन जो आपके खास है जो आपके अपने हैं वही दोस्तों आपके रिश्ता निश्चित होने में कोई रोड़ा अटका सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं सामने वाले के साथ, लेकिन अंततः विजय आप ही की होगी। आप शनिदेव को मजबूत करने के प्रयास कीजिए। दोस्तों आप अपने लव लाइफ को लेकर अगर कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले उसे आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर मकर राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है और साथ ही अब वो आपके उच्च भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पांचवें घर में प्रवेश कर जाएंगे जिसकी वजह से कुंवारे और शादीशुदा दोनों की ही बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए अंत में जान लेते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए लड़के लड़कियों को कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इसको करके अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या कोई मुसीबतें चल रही है ना तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है शीघ्र विवाह के लिए कि दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शाम के समय आपको बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करके घी का दीपक जलाना चाहिए और 108 बार बरगद की परिक्रमा करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, कोई मुसीबत परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णिमा की संध्या काल के समय बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और बरगद की 108 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से विवाह की मनोकामना पूरी होती है और शीघ्र आपके विवाह के योग भी बनते हैं। दूसरा उपाय है, यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। ये जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना ये लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आटे के दो पेड़े या लोई बनाकर रख देनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा दें। साथ ही उसमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल मिलाकर गुरुवार के दिन किसी भी गाय को खिला दें। इस उपाय को लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। अगर संभव हो तो लाल गाय को खिलाएं, नहीं तो किसी भी गाय को दोस्तों आटे के पेड़े की लोई बनाकर उसमें हल्दी लगा दें, फिर गुड़ और घी मिलाकर उसे लपेट कर गाय माता को खिला दें। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की अड़चन जो है वो दूर हो जाएगी। अगला और अंतिम उपाय जानते हैं, सहनाई का उपाय। दोस्तों यह उपाय केवल लड़कों के लिए ही कारगर है। अगर किसी भी लड़के के विवाह में कोई भी अड़चन या देरी हो रही है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होता है, ध्यान रखिए शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार, इस दिन किसी भी पात्र में दो इलायची और साथ में पांच तरह की मिठाई रखनी है और इसके बाद माता गौरी के सामने इन चीजों को अर्पित कर दें। फिर आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। ऐसा करने से जल्द आपके घर में विवाह की सहनाई बजना शुरू होगी। दोस्तों आगे होकर ही आपके रिश्ते की बातचीत चलेगी और आपका रिश्ता जो है वो अगले कुछ ही महीनों में निश्चित हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री।